चैनल के समस्त दर्शकों को मेरा श्रद्धापूर्वक नमन, हार्दिक वंदन, अभिनंदन। अपने चैनल का नाम ही श्रद्धा है, तो आज जो मैं विषय आपके बीच में चर्चा के लिए रखने का प्रयास कर रहा हूं, वह विषय रहेगा श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ क्या है, श्रद्धा के मायने क्या हैं, हम श्रद्धा से क्या समझते हैं, क्या किसी भी बात पर मेरी आस्था को मैं श्रद्धा की श्रेणी में रख सकता हूं, प्रथम। द्वितीय, क्या श्रद्धा किसी विशेष बात पर आस्था के लिए ही व्यक्त की जा सकती है? तो अर्थ निकल करके आता है। जब हम श्रद्धा का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं तो श्रद्धा का अर्थ निकल करके आता है श्रद्धा, अर्थात सत्य पर धारणा, अर्थात यदि मेरी धारणा या विश्वास या आस्था यदि किसी ऐसे कर्म पर है, किसी ऐसे कार्य पर है जो सत्य की श्रेणी में नहीं आता, तो उस पर विश्वास करना, आस्था करना, धारणा रखना श्रद्धा की श्रेणी में कदापि नहीं आ सकता है। श्रद्धा का अर्थ ही है श्रद्धा, सत्य पर धारणा। सीधे सीधे शब्दों में यदि मैं समझाने का प्रयास करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि श्रद्धा, सत्य पर विश्वास या धारणा एक ऐसा आधार है जिस पर मेरे पौरुष, कहते हैं ना चतुष्टय, चतुर्पोष्टय जिसको कहा जाता है कि हम चार धर्म, कर्म, अर्थ, ये सभी को मिलाकर के जो हम खड़ा करते हैं एक भवन, उस पूरे भवन का जो इमारत खड़ी होगी वह सत्य की धारणा के विश्वास पर ही खड़ी हो सकती है। अर्थात कोई भी वह इमारत या बिल्डिंग जो मैं बनाने जा रहा हूं उसका आधार बहुत मजबूत होना चाहिए, और आधार मजबूत होने के लिए अत्यंत आवश्यक है कि वह केवल और केवल सत्य के आधार पर ही आधारित हो। यदि वह सत्य के इतर, सत्य के अलावा किसी अन्य पर है तो जो चीज सत्य नहीं है वह असत्य की श्रेणी में आती है, और झूठ पर आधारित कोई भी इमारत, बिल्डिंग, कार्य अधिक दिनों तक नहीं टिक सकता, क्योंकि झूठ पर खड़ा महल ताश के पत्तों की भांति होता है जो हल्की सी हवा के झोंके से ही बिखर जाया करता है। और निश्चित रूप से छांदोक्योपनिषद में भी कहा कि बिना श्रद्धा के मनन करना संभव नहीं है, और योगेश्वर कृष्ण ने क्या कहा कि जो काम श्रद्धा पूर्वक ना किया जाए, अर्थात जिस कार्य में सत्य पर धारणा या आस्था ना हो वह कार्य लोक या परलोक, इस जन्म या अगले जन्म कभी भी काम में आने वाला नहीं होता है। क्योंकि, क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, क्योंकि झूठ की इमारत को अंततः अपने ही झूठ के बोझ के तले भर भरा करके गिर जाना होता है, और केवल सत्य पर आधार किया हुआ, सत्य पर आधारित इमारत ही, भवन ही
बहुत मजबूती के साथ खड़ा रह सकता है। मैं एक बात और यदि कहूं कि सत्य पर धारणा ही श्रद्धा है, और यदि मैं इसको इस तरफ लेकर के चलूं कि वह सत्य क्या है जिस पर मुझे धारणा रखनी चाहिए, जिस पर मुझे विश्वास करना चाहिए, जिस पर मेरा प्रत्येक धर्म का कार्य, कर्म का कार्य या भक्ति का कार्य टिका होना चाहिए, या मेरी साधना जिस पर आधारित होनी चाहिए, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि यदि मेरे लिए अर्थात हम सभी मनुष्यों के लिए यदि कोई सत्य ज्ञान है तो वह केवल और केवल वेद है, क्योंकि सृष्टिकर्ता परमपिता परमेश्वर ने सृष्टि में रहने वाले समस्त प्राणियों के लिए एक आचार संहिता के रूप में जो ज्ञान हमें प्रदान किया वह वेद ज्ञान है, अपरुषेय ग्रंथ है, ईश्वरीय वाणी है। निश्चित रूप से यदि मेरे समस्त कार्य, धर्म, कर्म, साधना आदि निर्भर होंगे वेद के ज्ञान के आधार पर, तो मैं अपने जीवन में सफलता की वह इमारत, बहुत मजबूत इमारत, एक बहुत मजबूत आधार पर खड़ी कर पाऊंगा, क्योंकि वह सत्य के आधार पर खड़ी होगी। वैसे भी क्या कहा, वेदो अखिलो धर्म मूलम, अर्थात वेद समस्त धर्म का मूल है, जो आधार है वेद, वह सत्य ज्ञान है। यदि वही मेरे सभी कर्म धर्म का आधार होगा तो निश्चित रूप से मैं जीवन में सफलता की एक इमारत को खड़ा कर पाऊंगा। एक छोटी सी टिप्पणी करता हूं, एक मत में कहा गया, हम यदि सत्य के अतिरिक्त किसी अन्य पर आस्था रखते हैं तो क्या हमारा हश्र होता है। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए, उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे अनुसंधान से यह पता चलता है कि पृथ्वी गोल है। जैसे ही उन्होंने वैज्ञानिक आधार पर यह तय करते हुए कहा कि पृथ्वी गोल है, वह कोई चटाई की भांति चपटी नहीं है या जिसे मोड़ करके कोई अपनी जेब में या बगल में दबा करके रख सकता है, ऐसी कोई चपटी वस्तु पृथ्वी नहीं है, तो पृथ्वी को गोल बताते ही जो असत्य पर आधारित मत था, उन्होंने उस वैज्ञानिक को सार्वजनिक रूप से मृत्यु दंड दे दिया। लेकिन जो श्रद्धा है, श्रद्धा का जो अर्थ है, वह तो निकल करके ही यही आता है कि सत्य पर धारणा ही श्रद्धा है, और सत्य पर जो आधारित है निश्चित रूप से वही सफल हो सकता है, इसके अतिरिक्त कुछ अन्य सफल नहीं हो सकता। मैं कह सकता हूं कि ईश्वर और ईश्वर, ईश्वरीय ज्ञान, मैंने यहां ईश्वरीय ज्ञान वेद के साथ साथ ईश्वर को भी अब जोड़ लिया, क्योंकि ईश्वर के स्वरूप का जब हम वर्णन करते हैं तो क्रांतदर्शी देव दयानंद ईश्वर को सत्य स्वरूप भी कहते हैं। अर्थात आर्य समाज के दूसरे नियम में पूरी व्याख्या को जब हम देखते हैं, उसमें से एक भाग को मैं ले लेता हूं कि वह सत्य स्वरूप भी हैं। ईश्वर या ईश्वर के ज्ञान पर धारणा रखना या आस्था रखना, यहां ईश्वर के संदर्भ में एक बात पुनः दोहरा दूं कि ईश्वर अर्थात ईश्वर का सत्य स्वरूप, उसका उसे जानकर, मानकर, कहकर, धारण करते हुए,
उस पर आस्था रखना, विश्वास रखना, पूरी तरह से उस सत्य स्वरूप ईश्वर के प्रति स्वयं को समर्पित कर देना और ईश्वर की आज्ञाओं का यथावत पालन करना और ईश्वर की आज्ञा अर्थात सत्य को मानना। सत्य को मानना अर्थात अपुरुषीय ग्रंथ, वैदिक ज्ञान, वेद वाणी को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करना। यदि मेरा जीवन ईश्वरीय सत्य स्वरूप को जानते, मानते, कहते और उसी के लिए साधना या उसी की उपासना करते हुए, उनकी स्तुति, प्रार्थना और उपासना करते हुए मेरा पूरा जीवन ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन करने में ही लगता है, तो मैं अपने जीवन में सदा सफलता को प्राप्त करता हूं। और वैसे इस बात को यदि मैं पुष्ट करूं तो यजुर्वेद में कहा श्रद्धया सत्यमाप्यते, अर्थात श्रद्धा से सत्य स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है। सत्य में धारणा विश्वास अर्थात श्रद्धा पूर्वक परमेश्वर ईश्वरीय सत्य ज्ञान वेदादि शास्त्रों के अनुकूल चलने से ही सत्य स्वरूप ईश्वर को हम प्राप्त कर सकते हैं। सत्य स्वरूप ईश्वर को पाना है तो उसके बताए हुए सत्य मार्ग का अनुसरण करना, अनुकरण करना हम सभी के लिए अत्यंत आवश्यक हो जाता है। एक बात और मैं स्पष्ट कर दूं कि हमें अनेकों मार्ग दिखाई देते हैं जीवन के एक पड़ाव पर खड़े हुए, लेकिन जब किसी एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज के संदर्भ में श्रद्धा पूर्वक कर्म करते हुए ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति के लिए या ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो एक मार्ग बताया मेरे लिए, वह मार्ग बतलाया योग मार्ग, वह मार्ग बतलाया श्रेय मार्ग, वह मार्ग बतलाया धर्म मार्ग, और साथ ही साथ श्रद्धा के संदर्भ में यदि मैं स्पष्ट करूं तो वह मार्ग बतलाया श्रद्धा का मार्ग अर्थात सत्य पर धारणा या विश्वास का मार्ग। यदि मैं उस मार्ग पर चलता हूं जिसका आदेश मुझे वेद भगवान ने पुनः दिया, धर्म प्रयज, हे मनुष्य तू जीवन में धर्म के मार्ग पर चल। और धर्म के मार्ग पर चलना ही क्या है, सत्य के मार्ग पर चलना ही धर्म है, क्योंकि क्या कहा था, वेदो अखिलो धर्म मूलम, ये वेद ही समस्त धर्म का मूल है, आधार है। और उस सत्य स्वरूप ईश्वर को पाने के लिए मेरे लिए अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि मैं ईश्वर के बताए हुए सत्य मार्ग का, वेद मार्ग का, ज्ञान मार्ग का, श्रेय मार्ग का, योग मार्ग का अनुसरण करता हुआ ही जीवन में धर्म कर्म और साधना के कार्यों को किया करूं। यदि इसके इतर मैं कुछ अन्य करता हूं, मार्ग से या पथ से भ्रष्ट होते ही, अलग होते ही मैं सत्य के मार्ग पर नहीं रहता हूं और मैं अपनी मंजिल से भटक जाता हूं। यदि मुझे दिल्ली जाना है तो चंडीगढ़ से दिल्ली जाने का एक ही मार्ग है, उसके अतिरिक्त कहीं अन्य से जाऊंगा तो मोहाली जाऊंगा या शिमला पहुंच जाऊंगा या किसी अन्य मार्ग से जाऊंगा तो किसी अन्य स्थान पर पहुंच जाऊंगा। एक ही मार्ग तो है ना दिल्ली पर पहुंचने का। इसी प्रकार केवल एक ही रास्ता है ईश्वर को पाने का, और वह रास्ता है श्रद्धा पूर्वक अर्थात सत्य में धारणा करते हुए अपने जीवन के कार्यों को संपादित करें। और इसका लाभ क्या होने वाला है वह मैं अवश्य बतला दूं, क्योंकि ऋग्वेद में आया है श्रद्धया विन्दते वसु, अर्थात श्रद्धा से हमें विन्दते धन प्राप्त होता है,
मैं सत्य स्वरूप ईश्वर को केवल सत्य ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान, अपरुषीय ज्ञान, वेद वाणी या वेद ज्ञान पर चलते हुए ही प्राप्त कर सकता हूं। आइए आज श्रद्धा चैनल के समस्त दर्शकों को श्रद्धा शब्द का अर्थ बताने का प्रयास किया। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। ओम इति शम। धन्यवाद।